बाय माँ, मैं जा रही हूँ। आज फिर चल दी अपनी नाटक मंडली की ओर तू? माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा ना बोलू वैसा ना बोलू, रोज तेरे अलग ही नाटक लगे रहते हैं। माँ आज मुझे मुंबई के एक डायरेक्टर के पास जाना है ऑडिशन के लिए। कभी इससे मिलने जाना है, कभी उससे मिलने जाना है। बेटी मेरा मान तो ये सब करना छोड़ दे, अब जल्दी से जल्दी तेरे हाथ पीले करने पड़ेंगे। माँ मुझे शादी वादी अभी नहीं करना, अभी मुझे एक्टिंग में कैरियर बनानी है और अपने आप को एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनते हुए देखना है, बस शादी वादी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे बेटा मेरी मान तो ये सब छोड़ दे, इस एक्टिंग वैक्टिंग के चक्कर को छोड़ दे, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो उतार दे मेरा। माँ जब आपने इतना साथ दिया है तो थोड़ा और दे दो ना प्लीज, एक साल का। एक साल में मैं पक्का कुछ करके दिखा दूंगी आपको, प्लीज। नहीं देना तुझे एक साल का और टाइम, बहुत टाइम दिया है मैंने तुझे, अब मुझे और तुझे कोई टाइम नहीं देना। क्या मम्मी इस जमाने में भी आप ऐसी बात करती हो? दीदी को जाने दो ना प्लीज। ठीक है जा, तुम दोनों बहनें एक ही जैसी हो, कोई मेरी बात तो सुनता ही नहीं है, जिसको जो करना है करो, जाओ जहाँ जाना है। Come in. Hi sir, good morning. Good morning. Sir, मैं आज audition के लिए आई हुई थी यार। Okay. तो पहले कुछ कहीं किया है तुमने? हाँ मैंने दो जगह किया है, एक्टिंग और ऑडिशन भी दे रखा है, बट कहीं से कुछ अच्छा स्कोप नहीं निकला, तो मैं आज आपके पास आई थी। ओके। तो चांस तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम कामयाबी के लिए क्या कर सकती हो? चांस देके देखो, मैं बहुत मेहनत करूंगी। मेहनत के साथ साथ इस इंडस्ट्री में छोटे छोटे कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, लाइक दिस। क्या तुम इन कपड़ों में एडजस्ट कर सकती हो? हाँ पहनूंगी, अगर सीन की रिक्वायरमेंट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वेरी गुड, काफी इंटेलिजेंट लगती हो। थैंक यू सर। ब्रेक तो मैं तुम्हें दे दूंगा, और ये जो तुम पोस्टर देख रही हो हीरोज के मॉडल्स के, इनको सबको मैंने ही ब्रेक दिया है, ब्रेक तो मैं तुम्हें भी दे दूंगा। ओके, तो तुम्हारा कुछ पोर्टफोलियो वगैरह बना हुआ है? हाँ सर, पोर्टफोलियो है, मैं शो मी। ठीक है, पर इससे कोई काम नहीं चलने वाला तुम्हारा, तुम्हें कुछ हटके करना पड़ेगा, यू नो, कुछ हटके। एंड इंटेलिजेंट तो तुम हो ही। क्या हटके सर, मैं समझी नहीं। हटके मींस इस इंडस्ट्री में आने के लिए तुम्हें बताइए कि क्या हटके करना पड़ता है, बाकी ब्रेक में आपको दिलवा दूंगा और आपको एक कामयाबी के लेवल तक भी पहुंचा दूंगा। फिल्मों में तो मैं काम तुम्हें दिला दूंगा, पर मेरे लिए क्या कर सकती तुम? तो
तुम जैसे चंद घटिया डायरेक्टरों की वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम हो रही है और प्रतिभाशाली लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पर मैं अपनी मेहनत और लगन से आगे निकलूंगी। तुम जैसे घटिया लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। गेट लॉस्ट। दादा मैं भी देख लूंगा कि मेरे बिना तुम्हें कौन काम देता है। दीदी आपका पिछले हफ्ते जो ऑडिशन दिया था उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको दो फ्लाइट की टिकट भी मिली है। कॉन्ग्रेचुलेशन दी। सच्ची? यस दी। देखिए। ओह माय गॉड।